हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होके आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग। मैं आपको बीए थर्ड ईयर के भूगोल विषय लूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपका सेकेंड पेपर तैयार करवाऊंगी, वो है भारत। भारत के विषय में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा भारत जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारी 0 डिग्री हो गया, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया उत्तरी, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बात को कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात को आप लोग को थोड़ा बताती हूँ। कैंसर क्या है, हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है, तो इसका इससे जान बचाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो जब जो चीज सर पे है तो इसका मतलब वो ऊपर हो गई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर हो गया, कर्क रेखा यानी ऊपर हो गई, और मकर रेखा नीचे है कैप्रिकॉर्न। लड़के लड़कियां केपरी नीचे पहनते हैं, कमर से नीचे पहनी जाती है, जो चीज कमर से नीचे पहनी जाती है तो वो केपरी हो गई, तो केपरी कौन हो गया, जिसको मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बनी हुई रेखाएं। ठीक है, अब ऊपर से ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां पे भी ये इनको क्या कहते हैं, देशांतर, ऐसे ऐसे खींची हुई है, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ऐसे ऐसे लाइन खड़ी खींची हुई है, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई वैसी पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है। हमारी जो भारत है वो इसी उसमें स्थित है, देखेगा 0 डिग्री है, भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट है, जैसे मैंने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहां पे है भारत की, यहां पे स्थिति है। तो ये कौन से हिस्से में हो गया, उत्तर का में हो गया, और ये पूर्व, ये ईस्ट हो गया डायरेक्शन, ये वेस्ट हो गया। तो क्या चीज है ये भारत की अवस्थिति या लोकेशन, उत्तर पूर्व वाले हिस्से में है ये भारतीय, हमारे ये एशिया महाद्वीप में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसकी 7वां स्थान है विश्व में, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो गया और सबसे छोटा आपका गोवा हो गया, 29 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, सबसे पहले मैं उत्तर पूर्व, उत्तर और दक्षिण की बारे में बात करती हूँ। उत्तर दक्षिण में यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है 3,214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3,214 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ ये मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 2,933 किलोमीटर है। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम तक का क्या हो गया, पूर्व आपका ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर हो गया, और उत्तर आपका ये है, दक्षिण ये है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपका 3,214 किलोमीटर हो गया। अब मैं सबसे पहले याद करने का, ये जो सबसे ऊपरी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है,
भारत का सबसे ऊपरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, और सबसे निचला हिस्सा भारत का है इंदिरा पॉइंट, जिसमें जिसे पेगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पे है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे निचले स्तर पे है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट में पे स्थित है। ये ट्रॉपिकल जोन में हमारा भारतीय द्वीप आता है, उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब हम सबसे पहले अपने चारों तरफ जो पड़ोसी देश आजकल हमें बड़े परेशान कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो हमारा विरोधी है पाकिस्तान, पाकिस्तान इधर हो गया हमारा, ये राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे हो गया, कश्मीर इसने हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है, आज जैसे आपको सब सर्वविदित है। ये आपका कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं भाई इसको, क्यों, क्योंकि रेड क्लिफ महोदय ने अब ये रेखा खींची थी, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा था, इन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ लाइन पड़ी है, यहां से लेके ये पूरी ऊपर हमारा हो गया अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से हो गया हमारा डोरेंट लाइन, और ये हमारे चीनी भाई साहब हो गए, ये चीन हमेशा लड़ता रहता है हमारे हिस्सों में कब्जा कर रहा है। अभी आपने देखा इधर इसने हमारे एरिया पे घुस के आक्रमण कर लिया, हमारे भारतीय सैनिकों पे आक्रमण किया अभी अभी में, तो इनका क्या वो है, ये ब्रिटिश के टाइम में इन्होंने ये समझौते पे वो नहीं है, इसको क्या कहते हैं आप बता सकते हैं, मैकमोहन लाइन, जो चीन से चीन और तिब्बत की सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान से हो गई डोरेंट वाली और भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया नेपाल, यहाँ पे हो गया हमारा भूटान, यहाँ पे हो गया हमारा बांग्लादेश, यहाँ पे हो गया म्यांमार, और नीचे दक्षिण में हमारा श्रीलंका है। हम श्रीलंका से किस तरह से अलग है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से अलग है, ठीक है। अब हमने आपको विस्तार बताया था कि इंदिरा कॉल तो ऊपर हो गया, इंदिरा कॉल हमें कैसे याद करना है, पहली बात तो समझिए इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा को बुलाओ, यानी इंदिरा कॉल ऊपर हो गया। अब इंदिरा जी नीचे भी हैं, तो इंदिरा पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे निचला पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये हमारा सुनामी वेव्स आई थी, सुनामी वेव्स पहली बात क्या होती है, ये समुद्र में जो वेव्स आई थी इसने हमारा इंदिरा पॉइंट डुबो दिया, वहां पे सबसे निचला जो पॉइंट है इंडिया का, जहां पे इंडिया एक्सटेंड करती है, वो है इंदिरा पॉइंट। वो हमारी सुनामी वेव्स आई थी समुद्र में, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी थी, उसने इस पॉइंट को डुबो दिया या सबमर्ज कर दिया है, पर फिर भी इंदिरा पॉइंट को सबसे निचला पॉइंट माना जाता है। अगर हम आइलैंड्स को भी, इनके महाद्वीप उपद्वीपों को भी ले तो इंदिरा पॉइंट है, अगर हम सबसे निचला वाला लेते हैं तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, यहाँ पे वो मेनलैंड का इस का दक्षिणी बिंदु है। तो हमारी ये बात पक्की हो गई, इंदिरा पॉइंट ऊपर हो गया, इंदिरा पॉइंट नीचे हो गया, अगर हम मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी हो गई तमिलनाडु में। अब हम पूर्व और पश्चिम की बात करेंगे, पूर्व में हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, किवितु, यहाँ पे क्या हो गया किवितु, और गुजरात में ये वाला पॉइंट हो गया गोरमाता, क्या हो गया गोरमाता,
ये गौर माता वाला पॉइंट आपका कौन सा वाला हो गया? ये जो 8 degree 4 minute है, 8 degree 4 minute वाला, ये कन्याकुमारी का पॉइंट है, और 37 degree 6 minute वाला इंदिरा कॉल वाला पॉइंट है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट वाला 6 degree 45 minute पे है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा भूमध्य रेखा के पास हो गया, ये वाले इलाके भूमध्य रेखा के पास हो गया, इसी वजह से यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। आपने देखा यहाँ बहुत गर्मी भी होती है, बहुत तापमान बहुत अधिक है, वर्षा भी बहुत होती है, तो यहाँ पे आबादी कम है। यहाँ पे भी आपने देखा बहुत गर्मी रहती है, आप गर्मी में के मौसम में घूमने नहीं जाते हैं। आपसे दक्षिण भारत को घूमने के लिए कहा जाए तो आप जाड़े में घूमना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। गर्मी क्यों है? क्योंकि जो